वैभव, खाने में क्या बनाऊं? आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा, आज मैं पुलाव नहीं खाऊंगा, आज मुझे खाना है व्हाइट सॉस पास्ता। अच्छा, तो आज तुम व्हाइट सॉस पास्ता खाओगे? हाँ, बहुत तो अच्छा चलो लगता फिर है। बनाते हैं। तो पिछले 3-4 दिनों से ना मेरा बेटा पास्ता खाने की जिद कर रहा है। मैं अवॉइड कर रही थी कि नहीं बनाऊंगी, लेकिन कल रात में वो रोने लगा था सोते समय कि आप मेरी नहीं सुनती हो, इसलिए मैंने सोचा कि सुबह आज मैं पास्ता बना लूँ। तो पास्ता बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में डाला है पानी, अबाउट 1.5 से 2 लीटर। इसमें थोड़ा सा तेल, चिली फ्लेक्स डाला है मैंने और थोड़ा सा नमक डाला है। अब आप कोई सा भी पास्ता ले सकते हैं, किसी भी शेप का ले सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये वाला बहुत पसंद आता है, क्योंकि जब आप ग्रेवी बनाकर ग्रेवी में से ऐड करते हैं तो दोनों तरफ शेल में ना ग्रेवी अच्छे से जाती है, फिर बहुत ही मज़ेदार पास्ता बनता है। हाई फ्लेम पर इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे उबलने के लिए। बढ़िया उबला है ये। वैसे तो कुकर में भी 1 सीटी में उबल जाता है, जितना पास्ता होता है उतना पानी डालकर 1 सीटी लगा लें तो बढ़िया बन जाता है। अब ये जो पास्ता उबला है इसमें से मैंने 2 चमचे भर के पानी निकाल लिया है और पास्ता को छानकर ठंडे पानी से धोकर थोड़ा सा तेल लगा के रख दिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल, थोड़ा सा बटर डाला है, ताकि बटर ना जले इसलिए सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा लहसुन बिल्कुल फाइन चॉप करके ऐड कर देंगे और इसे 30 से 40 सेकेंड हाई फ्लेम पर भूनेंगे। फिर प्याज डालकर 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। उसके बाद इसमें शिमला मिर्ची डाली है मैंने और कॉर्न डाला है। यहाँ पर ब्रोकली ऐड की जा सकती है, गाजर ऐड किया जा सकता है, बीन्स ऐड की जा सकती है। मेरे पास और सब्जी नहीं थी, यही थी, तो मैंने इन दोनों तीनों सब्जियों को डालकर 2 मिनट हाई फ्लेम पर भूना। फिर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा डाला इसमें। आप सूजी भी डाल सकते हैं, मैदा नहीं डालना तो इट्स ओके, सूजी डालिए। और अच्छे से सूजी या मैदा डालने के बाद 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लें आप इसे। 1 मिनट में आपकी सूजी या मैदा का कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद ये जो पानी हमने रखा था पास्ता में से निकाल कर ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे चला देंगे। फिर ले लेंगे दूध, तो मैंने 1 लीटर दूध इसमें डाला है और दूध डालकर लगातार चलाना है ताकि जो हमारी मैदा है उसमें लम्प्स ना पड़े। फिर ये है मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा चीज़, ये वो चीज़ है जो स्प्रेड चीज़ होता है और ये प्रोसेस चीज़ है। दोनों में से कोई एक अगर है वो भी डाल सकते हैं, दोनों हैं तो स्वाद और अच्छा आएगा। मैंने दोनों ही थोड़ा थोड़ा डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने मेयोनीज डाला है, किसी भी फ्लेवर का ऐड किया जा सकता है। अब काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पिज़्ज़ा मसाला, थोड़ा सा इसमें डालेंगे ओरिगैनो, मैं भोज ब्रांड का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, प्लस बटर हमने शुरुआत में ऐड किया था, थोड़ा चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर अभी चला लेंगे। हमारी सॉस एकदम गाढ़ी सी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, बहुत क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम परफेक्ट मखमली बटरी हमारी सॉस बनकर तैयार है। आप इस स्टेज पर ना इसमें पनीर डालकर भी सब्जी तैयार कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आपका पनीर बन जाएगा, ट्राई कीजिएगा। तो मैंने जितना पास्ता उबाला था उसके हिसाब से सॉस थोड़ा कम रह गई, क्योंकि मेरे पास आज दूध नहीं था ज़्यादा, तो मैंने जितना इसमें पास्ता लगा उतना डाला और पास्ता डालकर 2 मिनट पकाया लो फ्लेम पर। फिर मैंने इसमें पनीर डाले, मुझे बहुत पसंद आते हैं इस तरीके से पनीर इसमें, और बस गैस की फ्लेम कर दी मैंने बंद और गर्मा गर्म पास्ता मैंने सर्व किया। देखिए कितना क्रीमी टेस्टी हमारा पास्ता बनकर तैयार है, बहुत शानदार बनता है। आप इसे ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत बहुत पसंद आने वाला है। जब आप इसे सर्व कर रहे हैं थोड़ा चिली फ्लेक्स, थोड़ा ओरिगैनो या पिज़्ज़ा पास्ता मसाला जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कीजिए, और आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें आप चीज़ भी ग्रेट कर सकते हैं, पर चूंकि मेरे बच्चे ज़्यादा चीज़ नहीं खाते हैं तो मैंने नहीं डाला है। बट हाँ, अगर आपको पसंद है, आप इसे प्रोटीन रिच बनाना चाहते हैं, तो पनीर या चीज़ को कद्दूकस कर सकते हैं, और इसमें पनीर का टेस्ट वास्तव में बहुत अच्छा आता है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। जैसे कि मैंने कहा, इस ग्रेवी में सिर्फ आप पनीर भी डालकर खाएंगे ना तो एकदम मज़ेदार लगेगा, आपको ट्राई करना। तो बस यहाँ पर ये पास्ता हमारा बनकर तैयार है, वैभव भी तैयार है पास्ता खाने के लिए। चलिए मैं वैभव को दे देती हूँ और उससे पूछती हूँ कि वैभव को पास्ता कैसा लग रहा है। खाने की प्लेट तैयार है, अब इसे ब्रेकफास्ट बोले, लंच बोले या क्या बोले, तो दिस इज ब्रंच फॉर मी एंड आई हैव मेड व्हाइट सॉस पास्ता फॉर वैभव। वैभव ये लो। अरे खाली पेट डकार मार रहे हो, अभी तक तो कुछ खाए भी नहीं है। अच्छा खाओ और जल्दी बताओ कि कैसा बना है, गरम होगा देखना। कौन दुनिया? कौन है, निकाल देना, थोड़ा पनीर भी डाला है, टेस्ट करना, अच्छा लगेगा। हाउ इज द टेस्ट? मैं लाग भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। ओके okay।
एंजॉय योर पास्ता। होप आप इसे फिनिश करोगे। ओके हैव इट, एंजॉय।